हेलो मित्रों, मैं सुभाष गोस्वामी। पांचवे पाठ में मैंने आपको बताया था गाना निकालना, तुम्ही मेरी मंदिर तुम्ही मेरी पूजा। उसमें मैंने मुखड़ा निकालने के लिए कहा था और बजाया भी था मैंने। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो पिछले 15 दिन से 1 महीने से हमारे बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, जिन्होंने बांसी में यहाँ से जैसे आवाज़ निकालनी सीख ली है और धीरे धीरे सरगम निकालने सीख ली है जो यहाँ से निकलती है, 1 2 3 4 5 और ये 6 सुराख हैं। तो मैंने ये भी बताया था जो अंतर में है वो जंतर में है, यानी मन में जो गाना समाया हुआ है वो निकलेगा। अब इन 6 जो सुराख हैं जो कि 7 सुरों का काम करते हैं, तो हमने आपको बताया था कोई भी गाना है आप पहली यहाँ से इससे निकालो, इससे निकालो, नहीं नहीं निकले तो इससे निकालो, इससे भी नहीं निकले इससे निकालो, इससे नहीं निकले तो यहाँ से निकालो। तो इनमें से कहीं ना कहीं से निकलेगा ज़रूर। शुरू शुरू में तो मतलब एक्यूरेट बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कोशिश करिएगा कि ये तो आपके अपने दिमाग के ऊपर है, स्वरों को पहचानते चलिए और देखते रहिएगा किस में कितनी बार मारने से, 1 बार मारने से, 2 बार मारने से, उंगली मारने से वो चीज़ निकली कि नहीं निकलती। तो मैंने ये आज मैं अंतरा इसका तुम ही मेरी मंदिर का है, तो पहले ये था मैंने कहा सुनिए ध्यान से। देखा ये जो मुखड़ा जो कहाँ कहाँ से निकलता है बताया था हमने, ए ये ए और यहाँ से, ठीक है। अब अंतरा देखिए है, अब आप देखिए आप कहेंगे कहाँ से मतलब जैसे बहुत रात, तो आपने मानो किया क्या किया नहीं निकल रहा, तो ये आ रहा है यानी यहाँ से नहीं निकल रहा, तो क्या है बहुत रात भी थी है? चलू मैं सुना दूं बहुत रात, चलू मैं सुना दूं जो आगे जाएगा अब देखो, ये जब निकाल रहे हैं तो ये सब ये बंद है यहाँ पे, ये खुले नहीं रहेंगे, और कह रहे कि तो नहीं निकला, नहीं निकलेगा, तो ये तीनों बंद रहेंगे क्या, यानी अब नीचे और ऊपर दोनों का साथ आ गया। फिर से देखो हो
देख रहे पवन छेड़े सरगम, तो इसमें हमने कितनी बार मारी, तो सुनो उतनी बार मारो जिसमें तुम्हें लगे कि अब ये इससे पूरा काम हो गया है, मतलब ज़्यादा भी मत हिलाओ उसको, मतलब हिसाब से फिर से ये जो है बोल चाहे अलग अलग है लेकिन सुर सबका एक सा है, यानी जैसे आपको ध्यान रहे अपने नगाड़ा तो आज बस इतना ही, आपको मुखड़ा और अंतरा दोनों ही मैंने बताया है, बस बाकी तो आपका अभ्यास और प्रैक्टिस के ऊपर है, आपकी लगन के ऊपर है, और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे के पूछ सकते हैं, ठीक है। जय श्री राम।